हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन। ये एकेडमिक स्टूडेंट्स जो 10, 11, 12 में पढ़ते हैं या फिर जो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी ऑनर्स को लेते हैं, उनके टॉपिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इस टॉपिक से भली बातें परिचित होंगे, लेकिन काफ़ी लोगों को इसे करने में प्रॉब्लम दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनका मुख्य रीज़न यही है कि उनको सही से सारे स्टेप्स नहीं बता रहते हैं। तो आज सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप को बिना स्किप किए लाइन बाय लाइन देखने का कोशिश कीजिए। आशा करते हैं इसके बाद आपको सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्शन अगर आता है तो आपको काफ़ी हद तक उसमें सुविधा मिलेगी। आज हमारे सामने जो सवाल दिया गया है उसमें कई चीज़ें दी हुई है। जैसे क्या, ये एक आरएफ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये लैटिट्यूड दिया हुआ है और ये लॉन्गिट्यूड दिया है, साथ ही साथ इंटरवल दिया हुआ है और एक इसमें एक फिक्स कर दिया गया है मानक अक्षांश। तो हमारा आरएफ इसमें कितना दिया हुआ है, 1:1250000, साथ ही लैटिट्यूड कितना दिया है, 0° से 75° नॉर्थ। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो नॉर्थ का दिया हुआ है कि साउथ का दिया हुआ है, और जब आप ड्रॉ करने के बाद आपको इस चीज़ को क्लियरली उसमें मेंशन कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपको। दूसरा है लैटिट्यूड क्या दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूड कितना दिया हुआ है, 60° वेस्ट से 60° ईस्ट, और इंटरवल दिया हुआ है 15°। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वन स्टेप का छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसमें क्या है, ग्राफिकल मेथड निकालना पड़ेगा। उसमें क्या देना पड़ेगा, स्टेप वन में पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपिक भिन्न का हर। अब इसको तो शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो काफ़ी इसका टफ है, लेकिन आपको समझने की मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर का पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास मांगा है और नीचे जो दिया हुआ जो आरएफ है वो आरएफ को आपको नीचे लिखना है। तो सिंपल इसको यहाँ पर रखेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो 3030 ये गया, और इसको फिर काटेंगे तो 5.08 सेंटीमीटर, मतलब 5.08 सेंटीमीटर इसका कैलकुलेशन करने से आएगा। आप ऐसे देख के उतार मत दीजिएगा, अपना कॉपी लीजिएगा और उसमें से इसको कैलकुलेशन कर ही निकालिएगा। तो कैलकुलेशन को हमको करने ड्रॉ को करने के लिए हमको सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो पेंसिल लगेगा, साथ ही कॉम्पास, पेंसिल लगा हुआ कॉम्पास, या फिर आप एक्स्ट्रा पेंसिल के द्वारा भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक स्केच भी ज़रूरत पड़ेगी, और ऑब्वियसली स्केल लगेगा ही, साथ ही साथ कॉम्पास चांदा इसको बोलते हैं, फिर इंग्लिश बोलते से प्रोटेक्टर, और बचे हुए एक्सेस पार्ट को मिटाने के लिए रबड़। तो अभी इन सब चीज़ों को साइड करते हैं और अपना एक अलग पेज को लाते हैं। सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हम पहले डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें स्टेप वन, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो 5.08 सेंटीमीटर आया है इसको हमें सबसे पहले स्केल की सहायता से यहाँ पर 5.08 इसको हमने लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉम्पास है इसमें 5.8 सेंटीमीटर का हमने इसको कुछ इस तरह से पुट किया, और इसका एक 90° का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90° का कोण। साथ ही साथ हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे क्या, इसमें आपको दिया हुआ है क्या कि इंटरवल कितना डिग्री दिया है, 15 डिग्री दिया हुआ है, मानक अक्षांश 45° दिया हुआ है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम यहाँ पर चांदा बैठाएंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा। इसमें पहला है 15° का इंटरवल, तो 5, 10, 15 डिग्री का इंटरवल यहाँ हुआ, फिर मानक अक्षांश था 45 डिग्री का अक्षांश, और 90° का ये कोण पूरा। अब इसको स्केल के सहायता से सिंपल मिला देंगे, स्केल
प्रोजेक्शन या फिर प्रैक्टिकल का टॉपिक ऐसे हैं जो आप अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए अपने सुविधा के लिए स्टेप बाय स्टेप को क्लियर ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और स्टेप। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर ऐसे रख कर इसको भी 90 डिग्री का कोण हमें और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर रखा हमने, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे मिला देना है और स्केल की सहायता से इस पॉइंट को हमें मिला देना है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो 90 डिग्री का जो कोण बना है वो पूरी तरह से सही बना है। अब हमें क्या करना है, इस जो वैल्यूएशन जो ये आया हुआ, ये जो आप इस पॉइंट को यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पॉइंट को इसी को उठाकर यहाँ पर हमें एक इससे मिलता जुलता छोटा, माफ कीजिएगा पेज खराब होने की वजह से फिसल रहा है यहाँ पर, ये बनाया पर क्या पर छोटा सा एक कोण। अब क्या करना है हमें, स्केल की सहायता से इसको और इसको यहाँ पर आप सेट स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल अगर हो तो, और अगर सेट स्क्वायर अगर अवेलेबल ना हो तो आप इसकी सहायता से भी इसको पैरेलल कर सकते हैं, ये और ये आपको इसको पैरेलल कर देना है। इतना स्टेप करने के बाद आपको सबका नामकरण करना बहुत ही आवश्यक है। जैसे क्या, ये ए भी, फिर बी, फिर सी, ये आपका यहाँ तक हुआ। और क्या करना है आपको, इसको डी, ये आपका ई और एफ, और ये है आपका ओ। अब हमने जो वैल्यूएशन जो लिखा था यहाँ पर, ये जो 15 डिग्री का जो इंटरवल था, इसको हमको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पंद्रह डिग्री का इंटरवल, ये है आपका 45 डिग्री का मानक था, पैंतालीस डिग्री का इंटरवल, और ये जो आपका है, ये जो आपने उल्टा करके इसको बनाया था, इसको आपको लिख देना पड़ेगा। नब्बे डिग्री का ये आपका, और नीचे जो ये आपका जो वैल्यूएशन दिया हुआ था, जिससे आपने कैलकुलेशन ड्राइंग की शुरुआत की थी, 5.08 सेंटीमीटर। इसी के साथ आपका स्टेप वन का ड्राइंग कंप्लीट हुआ। अब हम स्टेप टू की तरफ चलेंगे, स्टेप टू की ओर चलेंगे। अब हमें एक और फ्रेश पेज की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हमको ये डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को अपने साथ रख लीजिए ताकि आपको बार बार उसको हटाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5.08 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पर इस जो वैल्यूएशन को जो लिया था हमने 5.08 सेंटीमीटर, उसको इसको यहाँ, सॉरी गलती हो गया, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लंबा लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें इस लंबे लाइन में ये जो 5.08 सेंटीमीटर है, 5.08 सेंटीमीटर इसको पुट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। बारीकी से प्रोजेक्शन है आपको हर एक स्टेप्स को, और हर एक मिलीमीटर तक को, सेंटीमीटर तो छोड़िए मिलीमीटर तक को आपको ध्यान से खींचना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो ड्राइंग है वो सही नहीं बनेगा। मैं अपने सुविधा के लिए इसको उलट दे रहा हूँ, उल्टा कर दे रहा हूँ, कृपया करके आप ऐसा उल्टा ना करें। अब हमें क्या करना है, ये जो बी से लेकर डी तक का जो गैप आया है, बी से लेकर डी तक का जो गैप है, इसको हमें यहाँ ड्रॉ करना है।
1 2 3 पेंसिल की सहायता से इसे डार्क कर दें ताकि कोई त्रुटि ना निकले। और ये जो वैल्यूएशन जो आया है ई से लेकर एफ तक, इसको यहाँ पर ड्रॉ करें। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ये जो पेंसिल से जो मार्क किया हमने, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, इधर चार स्टेप, इधर चार और इधर नीचे आपका तीन और इधर ऊपर आपका दो। अब इसको स्केल की सहायता से इसको हम मिला देंगे। प्रोजेक्शन जितना आप संयम रख कर करें उतना सही होगा। इसमें अगर आप हड़बड़ करने जाएंगे तो आप एट द एंड ऑफ, जब उसको आप जब मिलाएंगे तो आपका सही से वो पूरा का पूरा मैच नहीं खाएगा। तो कुछ समय के लिए धैर्य रख कर इसको करें, नहीं तो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है आपको। साथ ही साथ ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी अगर किसी टॉपिक पर अगर आपको कोई क्वेरी अगर हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी और भी चीज़ों को हम उसमें टाइम टू टाइम अपलोड करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। शिक्षा वो बीज है जिसको लगाएंगे, लगाने से सिर्फ नहीं होगा, उसमें टाइम टू टाइम आपको खाद और पानी भी देना पड़ेगा। तो आप अगर आप सोचेंगे आज हम पढ़ेंगे और आज सब कुछ पा जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। आपको हर स्टेप को धीरे भाई धीरे समय संयम रख कर करना पड़ेगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी अगर आप संयम रखना जानते हैं। तो चलिए अब इसको जो बचे हुए पाठ है उसको मिटा दिया जाए। अब जरा इसका नामकरण शुरू किया जाए। बिना नामकरण के किसी चीज़ का कोई भी वैल्यू देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा सवाल था कुछ इस तरह से, हमारे सवाल में दिया हुआ था क्या कि 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो हमने शुरुआत में जिस चीज़ को हमने बोला था 0 डिग्री से 75 डिग्री, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। 0 डिग्री और अंतराल कितना था हमारा 15 डिग्री, तो
15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और ये 75 डिग्री नॉर्थ। हर जगह नॉर्थ को लिखना बाध्यतामूलक है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इतना मेहनत आपका आकर बेकार हो जाएगा। साथ ही साथ साथ हमको क्या दिया है देशांतर में, 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब, तो यहाँ पर 60 डिग्री पश्चिम और यहाँ पे भी हम उसी अंतराल को मैनेज मेंटेन करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो 60 डिग्री वेस्ट से 45 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट और आ गया आपका 0 डिग्री। अब 0 डिग्री पे ईस्ट और वेस्ट लिखकर गलत फहमी ना करें, क्योंकि 0 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से भी हम उसको 15 डिग्री आगे बढ़ाएंगे तो 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट। तो ये जो सवाल जिसने जिस चीज़ को मांगा था, 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब, 60 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पूरब, हमने इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर दिया। अब नीचे लिखेंगे आर एफ। आर एफ का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऊपर देंगे हेडिंग, क्या हेडिंग है, सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन। ये जो कोन की तरह निकला हुआ है इसलिए इसका नाम किया गया है कॉनिकल प्रोजेक्शन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।